नमस्कार। रविवार रोटरी क्लब ऑफ सूरत शी फेस द्वारा दीपावली महापर्व निमित्ते स्नेह मिलन समारोह नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां क्लब ना अध्यक्ष रचना महेश्वरी द्वारा दीप प्रागट्य करी कार्यक्रम नी शुरुआत करी हती, जेमां रोटरी क्लब ना सभ्य उपस्थित रह्या हता। का नाम और आपके संस्था का परिचय दीजिए। माय नेम इज रचना महेश्वरी। राइट नाउ आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ सूरत शी फेस। इन कोविड टर्म्स में भी हमारी क्लब जो है काफ़ी एक्टिव रहेगी, चाहे फेलोशिप प्रोजेक्ट्स हो चाहे सर्विस प्रोजेक्ट्स हो। और सर्विस प्रोजेक्ट्स हमने इवन अभी तक तो हमारा साल का मिड टर्म भी नहीं आया है, उसमें भी हम लोगों ने कोविड टर्म्स में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए। दो बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे सोमान स्टोर, एक सोमान स्टोर हमारा बेसू में है और दूसरा सोमान स्टोर हमारा केंद्र में जस्ट सचिन में खुला है दशहरा में। और सोमान स्टोर का हमारा जो है मोटो ये है कि जो हम जो लोअर क्लास पीपल हैं उनको हम जो हमारी डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, चाहे कपड़े हैं या और भी कई चीज़ें हैं, उनको हम एकदम लिमिटेड रेट्स में 10, 20, 50 में हम दिला सकते हैं। उसके बाद हमारे जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं लाइक स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं मिड ऑफ दिसंबर तक। और उसमें हम लोगों का ये रहेगा कि बैकवर्ड क्लास की जो लेडीज़ है या जो भी लड़की है जिनको अभी अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, पहले हम उनको वहाँ ट्रेनिंग दिला के काम सिखाएंगे और उसके बाद हम उनको वहीं पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। और हम लोगों का यही है, रोटरी का हमेशा से मोटो रहा है सर्विस फॉर सेल्फ। और टच वुड, हम ये मेरा एक लक रहा है कि मैं एक आइडिया देती हूँ और हमारे जो जितने भी मेंबर्स हैं उस आइडिया को कैसे वर्कआउट करने में सब एक साथ लग जाते हैं। और ये हमारे जो सोमान स्टोर है उनके प्रोजेक्ट चेयर सरोज एंड कामिल, ये दोनों बहुत एक्टिव रही हैं और इन लोगों की वजह से हमारे प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा है। पर्यावरण के लिए जैसे नेशन फर्स्ट फाउंडेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने 600 बुक्स डोनेट की है ताकि जो ट्रीज कटिंग का काम है वो नहीं हो। और अभी तक हमने 500 ट्रीज प्लांटेड किए हैं जिसमें हर तरह के ट्रीज हैं, शेडी ट्रीज हैं, फ्रूट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं और हमने 3 डिफरेंट केसेस में काम किया। उसको हम पूरा टेक केयर करवाते हैं, हम वहीं पर प्लांट्स लगवाते हैं जहाँ हमें पता है कि उसका पूरा टेक केयर किया जाएगा और उनका पूरा अच्छे से देखभाल होगा। वहीं पर और हर तरह के प्लांट्स वहाँ हम लगाते हैं, मेडिसिन हो, फ्रूट्स हो, शैडो के भी ट्रीज हो। अभी हाल ही में हमने 100 ट्रीज हमने सचिन में करवाए हैं। वाली बात इस साल क्या है? नहीं बोलने वाली, आई थिंक सोमान स्टोर एकदम नई चीज़ है, एकदम नया कंसेप्ट है। हमारे घर में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं और एकदम बहुत अच्छी कंडीशन में, हमें समझ नहीं आता हम उसे क्या करें। और कई लोग हैं, कई इवन छोटे लेबर क्लास लोग हैं लेकिन उनको इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि फ्री में लेना नहीं चाहिए। तो के कारण बंद किया गया था। तो अभी हमारा जो है कॉपरी में एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नर मंथली लेटर निकलता है और इस मंथ हम लोगों का जो ये सामान स्टोर है उसको सेलेक्ट किया गया है गवर्नर मंथली लेटर के टाइटल पेज पे। उसका एक पिक जो है वो उसके टाइटल पेज पे आया है। तो दिस इज द बिगेस्ट थिंग। ओके भाई साहब, मैं संगीता चुरीवाला हूँ, क्लब सेक्रेटरी टू रोटरी सी फेस। बहुत ज़बरदस्त प्रेस्टिजियस क्लब है, बहुत हमारे में आपस में बोन होमी कमराडेरी है और इस साल तो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हुए डिस्पाइट कोविड-19। बिकॉज हमारे प्रेसिडेंट 24/7 पर्सन है, शी सो डेडिकेटेड टू रोटरी कि शी मेड इट पॉसिबल। हमारा मन भी नहीं होता तो वो उनसे रिक्वेस्ट कर करके एक, इनफैक्ट हमने 2 परमानेंट स्टोर्स खोले हैं एंड हमारा GML जो डिस्ट्रिक्ट की जर्नल है उसमें हमारे फ्रंट पेज पे हमारा लेख आया है। आई थिंक इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। और आज देख सकते हैं कि हमारा दिवाली उत्सव चल रहा है, इट इज़ गोइंग ऑन इन वेरी फुल स्विंग, पीपल आर रियली इन्जॉइंग। एंड आई थिंक आई वुड इन्वाइट सूरत पीपल to join us. We are already a 100 strong club and more people want to join. It is a ready-made platform for friendship, fellowship, service. Thank you. Rotary Club ने आप क्या काम कर रहे हो? मेरा नाम सरोज अग्रवाल है। जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं रोटरी क्लब ऑफ सूरत सी फेस में मीडिया प्रभारी की मेरी पोस्ट है। किस हिसाब से काम होता है मीडिया और आप क्लब के माध्यम, किस हिसाब से आप जोड़ते हो?
मेरा ये है कि भाई मैं दोनों क्लब और मीडिया दोनों को बराबर मेंटेन करके चलती हूँ उसको लेके, क्योंकि क्लब के अंदर भी सभी लोग इतने ज़्यादा मोटिवेट हैं और इतने ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि अगर मैं जो उनको बोलती कह